आप अगर ब्रांच आईडी लेंगे बहुत ही आसानी से ई केवाईसी प्रोसेस में, अर्थात ओटीपी और फिंगरप्रिंट के माध्यम से कंप्यूटर और मोबाइल ऐप दोनों के मदद से ही पैन कार्ड बना सकते हो। ई केवाईसी प्रोसेस में पैन कार्ड बनाएंगे, 1 से 2 घंटे में आपको ई पैन कार्ड मिल जाएगा, और जो फिजिकल पैन कार्ड है वो 10 से 12 दिन में बाई पोस्ट के थ्रू कस्टमर को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ कॉन्टेक्ट करते रहते हो NSDL पैन आईडी के लिए, तो इधर देख सकते हो टीम पैन सेंटर मैनेज बाय NSDL। ये NSDL ब्रांच आईडी का बैनर है जो मुझे कंपनी से मिला था। मैं आज से 10 साल पहले NSDL ब्रांच आईडी लेकर काम स्टार्ट किया था। अभी के टाइम पर NSDL ब्रांच आईडी ओनली 500 रुपी में आपको मिलेगा, बहुत ही लो प्राइस है। जब मैं लिया था 50,000 रुपए से लिया था, तो भाई पहले के बाद अभी छोड़ दीजिए। अभी के टाइम पर जो चल रही है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और डेली बहुत सारे नया लोग मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें NSDL का पैन आईडी चाहिए लेकिन हम कौन सा लें। यूट्यूब में अगर वीडियो सर्च करते हैं तो बहुत सारे आईडी हमें दिखता है, NSDL EKYC रिटेलर आईडी, NSDL ब्रांच आईडी, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा आईडी लेकर हम काम करेंगे तो फायदा में रहेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आप अगर पैन कार्ड की काम करते हो और पैन कार्ड के मामले में सबसे बेस्ट जो पोर्टल है वो है NSDL ब्रांच आईडी। NSDL ब्रांच आईडी में सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी बोलेंगे क्या क्या फैसिलिटी। आप NSDL ब्रांच आईडी के मदद से डॉक्यूमेंट अपलोड करके मैनुअल प्रोसेस में पैन कार्ड बना सकते हो। अभी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं भाई हम डॉक्यूमेंट अपलोड करके पैन कार्ड बनाएंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट भेजना तो नहीं पड़ेगा। आप अगर मैनुअल प्रोसेस में पैन कार्ड बना रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट भेजना जरूरी होता है, वो इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। आप UTI से काम करो या NSDL से काम करो, लेकिन यहाँ पर जो मेन स्पेशल फैसिलिटी है, आप पैन कार्ड बनाएंगे तुरंत ही आपको डॉक्यूमेंट भेजना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई हम पैन कार्ड बनाएंगे तो तुरंत ही डॉक्यूमेंट भेजना तो नहीं पड़ेगा। भाई देखो, तुरंत यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट भेजना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऑनलाइन के मदद से डॉक्यूमेंट अपलोड करके पैन कार्ड बना रहे हो। आप पैन कार्ड बनाओगे, पैन कार्ड चला आएगा। ई पैन कार्ड 48 आवर में मिलता है और जो फिजिकल पैन कार्ड है वो 10 से 15 दिन के अंदर बाई पोस्ट के थ्रू चला आता है। अभी बहुत सारे लोग बोल सकते भाई ब्रांच आईडी से पैन कार्ड बनाएंगे तो हमारा एड्रेस पे, हमारा दुकान पे पैन कार्ड मांगवा सकते हैं कि नहीं। जी हाँ भाई, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट लगता है, ए ग्रेड गैजेटेड ऑफिसर से एक एनेक्सर में सिग्नेचर लेना पड़ता है। जब वो एनेक्सर में सिग्नेचर करके आप पैन कार्ड बनाएंगे तो आप अपने एड्रेस में पैन कार्ड मंगवा सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं ब्रांच आईडी लेंगे तो OTP फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैन कार्ड बना सकते हैं ना। जी हाँ भाई, इस प्रोसेस को EKYC प्रोसेस बोलते हैं। सबसे फास्ट NSDL ब्रांच आईडी में ही ये प्रोसेस चालू हुआ था, फिर बाकी जो EKYC आईडी है उसमें आया था। अब अगर ब्रांच आईडी लेंगे तो बहुत ही आसानी से EKYC प्रोसेस में, अर्थात OTP और फिंगरप्रिंट के माध्यम से कंप्यूटर और मोबाइल ऐप दोनों के मदद से ही पैन कार्ड बना सकते हो। EKYC प्रोसेस में पैन कार्ड बनाएंगे, 1 से 2 घंटे में आपको ई पैन कार्ड मिल जाएगा, और जो फिजिकल पैन कार्ड है वो 10 से 12 दिन में बाई पोस्ट के थ्रू कस्टमर को मिल जाएगा। इससे बढ़िया फैसिलिटी और किसी पोर्टल में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये NSDL का डायरेक्ट पोर्टल है, और जो मोबाइल ऐप है वो NSDL का डायरेक्ट मोबाइल ऐप है। डायरेक्ट आप NSDL के थ्रू पैन कार्ड बना सकते हो, और इस पोर्टल से कोई भी पैन कार्ड बनाओ 107 रुपए चार्ज लगता है, और कंपनी से आपको 9 रुपए तक कमीशन भी मिलेगा। भाई बहुत सारे EKYC आईडी ऐसा होता है जहां पर कमीशन भी नहीं मिलता है, और बहुत सारे EKYC आईडी ऐसे होता है कि वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम भी रहता है, आप ठीक से काम भी नहीं कर पाते हो। NSDL ब्रांच आईडी लेंगे तो आपको ऐसे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप इजी
प्रोसेस में पैन कार्ड बना सकते हो और पैन कार्ड बनाएंगे बहुत ही फास्ट आपको पैन कार्ड मिलेगा। NSDL ब्रांच आईडी एक ऑथोराइज आईडी होते हैं। ये आईडी लेने के बाद आपका नेम और आपका दुकान का एड्रेस NSDL ऑफिशियल साइट में शो कराएगा। ऐसे वैसे किसी आईडी लेने से NSDL ऑफिशियल साइट में शो नहीं कराते हैं, ओनली ब्रांच आईडी में ये फैसिलिटी मिलता है। तो भाई अभी के टाइम पर बहुत ही लो प्राइस में ओनली 500 रुपी में आपको टेक्निकल चिड़ी यूट्यूब चैनल से NSDL ब्रांच आईडी अर्थात NSDL का ऑफिशियल पैन कार्ड आईडी मिल जाएगा। ये आईडी आप अगर लेना चाहते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, बैंक अकाउंट के पासबुक, कैंसिल चेक या अकाउंट स्टेटमेंट, इन तीनों में से कोई भी एक चलेगा। इसके अलावा एक APS कंपनी का सर्टिफिकेट लगता है, जैसे CSC, स्पाइस मनी, पे नियर बाई, फिनो पेमेंट बैंक, RNFI, इजी पे, इनमें से कोई भी एक पोर्टल का सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। आपके पास अगर इनमें से कोई भी पोर्टल नहीं है, एक पोर्टल का आईडी पासवर्ड ले लीजिए, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप NSDL ब्रांच आईडी बहुत ही आसानी से ले सकते हो। NSDL ब्रांच आईडी लेने के लिए आपके पास कंप्यूटर होना मैंडेटरी है, क्योंकि NSDL ब्रांच आईडी फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस रहता है वो कंप्यूटर में करना पड़ता है, फिर मोबाइल में रजिस्टर करके आप लॉगिन करके काम कर सकते हो। भाई देखो ये ऑफिशियल आईडी है तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। फर्स्ट तो ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट अगर सही होते हैं तो आपको ओनली 500 रुपी पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कर देंगे तो मैं आईडी के लिए प्रोसेस कर दूंगा। उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपको ब्रांच कोड मिल जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगा, उसके बाद आप आसानी से काम भी कर सकते हो। और फ्यूचर में कभी भी आपको दिक्कत आए तो सपोर्ट टीम है जहां से आप हेल्प भी ले सकते हो।